हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडल स्कूल राजगढ़। दोस्तों, शिक्षा के संबंध में आज आपके साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, ये टॉपिक वर्तमान समय में बहुत ही प्रासंगिक है। ये टॉपिक है दोस्तों, प्रकृतिवादी शिक्षा के अंतर्गत रूसो नकारात्मक शिक्षा की बात करते हैं। दोस्तों, ये नकारात्मक शिक्षा आखिर है क्या? शिक्षा का जो दोस्तों प्रचलित आयाम है, जो प्रचलित ढांचा है, शिक्षा समाज के लिए बनी है। समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा का औपचारिक केंद्र यानी विद्यालय की स्थापना करता है, और जो समाज की ज़रूरत है, जो समाज की आवश्यकताएं हैं, उसके अनुरूप सिटीजन्स को तैयार करता है। समाज की पूरी कोशिश ये होती है कि कोई भी बच्चा जो जिस राष्ट्र में जन्म लिया हो, उस राष्ट्र की जो सांस्कृतिक विशिष्टता है, जो उसकी अपनी पहचान है, जो उसकी अपनी धरोहर है, और जो उसका अपना वर्तमान है, उसको बच्चा जाने, उसको बच्चा समझे, उसको बच्चा सीखे, और एक राष्ट्र के लिए देशभक्त तैयार हो। तो समाज की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा का प्रारूप निर्धारित होता है, उसी के जो औपचारिक केंद्र दोस्तों स्कूल होते हैं, वहाँ पे एक निर्धारित नियम होते हैं, शिक्षक होते हैं, पाठचर्या होती है, पाठ्यक्रम होता है, उसी के अनुरूप बच्चों को शिक्षित किया जाता है। दोस्तों, आज जो शिक्षा का प्रारूप है वो काफ़ी हद तक मनोवैज्ञानिक है, लेकिन जिस युग में रूसो नकारात्मक शिक्षा की बात करते हैं, वो युग काफ़ी असमानता और विषमता लिए हुआ करता था। उस समय अमीरों के लिए जो शिक्षा का की व्यवस्था थी, उनके घरों पे हुआ करती थी, और जन समुदाय के लिए शिक्षा की व्यवस्था दोस्तों दोषपूर्ण थी, और वहाँ पे जो बच्चे रहते थे उनकी मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों और आवश्यकताओं को ध्यान न रख करके राज्य के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बच्चे तैयार किए जाते थे। तो ऐसा लगता था कि जो विद्यालय या शिक्षालय हुआ करते थे, एक प्रकार की फैक्ट्री हुआ करते थे, जहाँ पे बच्चे के की जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ हैं उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता था, और बच्चे बिल्कुल विद्यालयी परिवेश से कनेक्ट नहीं हो पाते थे। तो रूसो ने ऐसी शिक्षा को, ऐसी शिक्षा का विरोध किया, और रूसो ने ये कहा कि प्रकृति की ओर लौटो। प्रकृति का मतलब दोस्तों पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, जंगल, ज़मीन, जो भी हरी भरी चीज़ें हम आसपास देखते हैं, जो भी चीज़ें हमने निर्मित नहीं किया है वो प्रकृति है। एक प्रकृति हमारे वाह वातावरण में है, जिसकी वजह से दिन रात ऋतुएं होती रहती हैं। एक तो वाह परिवेश या वाह प्रकृति है, जिसमें जंगल, ज़मीन, नदी, समुद्र, पहाड़, पर्वत, पृथ्वी और आकाश, ये प्रकृतिगत चीज़ें हैं। ऐसे ही प्रकृति में नाना प्रकार के पदार्थ व्याप्त हैं, लेकिन एक प्रकृति ऐसी है जो व्यक्ति की अपनी अनूठी विशेषता है। एक प्रकृति ऐसी है कि गेंदा गेंदा है और गुलाब गुलाब है। हर की अपनी एक सुवास है, हर की अपनी एक विशिष्टता है। ऐसे ही बच्चे की भी अपनी प्रकृति है। हर बच्चा अपने में अनूठा है, उसकी अपनी विशेषताएं हैं, उसकी अपनी इच्छाएं हैं, उसकी अपनी आवश्यकताएं हैं। तो रूसो ने जब बात किया तो इसकी बात किया, रूसो ने ये कहा कि पुस्तकीय शिक्षा का रूसो ने दोस्तों विरोध किया। 12 वर्ष तक बच्चे को पुस्तकीय शिक्षा से वंचित रखना है, और शिक्षा का जो प्रचलित पैमाना है, यानी जो कि स्मृति यानी मेमोराइजेशन पे जोर देता है, उसके भी रूसो प्रबल विरोधी रहे।
उनका पूरा का पूरा फोकस ये था बच्चा स्व अनुभव से यानी खुद के प्रयास से सीखे। और जो भी ज्ञान की इंद्रियां हैं, चाहे वो ज्ञानेंद्रियां हों या कर्मेंद्रियां, वही जो है नॉलेज के डोर्स हैं, यानी ज्ञान के द्वार जो है हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। हम आँखों से जो देखते हैं वो प्रमाणिक ज्ञान है, जो कानों से सुनते हैं वो भी एक प्रमाणिक ज्ञान है, या हाथ से स्पर्श करते हैं वो भी एक प्रमाणिक ज्ञान है। तो रूसों का ये आह्वान था या कहना था कि प्रकृति की ओर लौटो। उनका ये मानना था कि प्रकृति के हाथों, मैन इज गुड बाय नेचर, इंसान जो होता है, जो प्रकृतिगत चीज़ें हैं, प्रकृति अपने स्वरूप में शुद्ध होती है, पवित्र होती है, शुचिता उसमें विद्यमान होती है। लेकिन ऐसे ही बच्चा जब जन्मता है तो पवित्र होता है, प्राकृतिक होता है, प्रकृति के हाथों में जो चीज़ें हैं वो शुभ हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति के हाथों में, समाज के हाथों में आती हैं, वो भ्रष्ट हो जाया करती हैं। तो दोस्तों, रूसों का ये मानना था कि असल शिक्षा वो है जो प्रकृति की गोद में हो। प्रकृति की गोद का तात्पर्य ये है कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ा जाए, बच्चे की के ऊपर अनुशासन न लगाया जाए, स्वच्छंद छोड़ा जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि शिक्षक की वहाँ अहमियत नहीं है। शिक्षक वहाँ निरीक्षण करता या ऑब्जर्वेशन के माध्यम से उसका एक गाइड के रूप में शिक्षक रहेगा। प्रभावी अनुशासन में रूसो विश्वास नहीं करते। उनका मतलब है बच्चे को मुक्त छोड़ दिया जाए और प्रकृति अपने परिणामों द्वारा उसको सिखा देगी। बच्चा गिर जाएगा, चोट लग जाएगा, तो उसका जो नॉलेज है वो ऑथेंटिक होगा। हम बच्चे को एक लघु प्रौढ़ की भांति, चूँकि हमारी चिंतन वयस्कों जैसा रहता है, तो हम उसको भी लघु प्रौढ़ या लघु वयस्क मान के शिक्षा देते हैं, बिना उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उसको शिक्षा ठूस ठूस करके दिया जाता है। इससे एक प्रकार की विषमता पैदा होती है, विकृति का जन्म होता है। तो ऐसी शिक्षा के रूसों खिलाफ थे। रूसों का कहना था कि प्राकृतिक वातावरण में, प्रकृति के हाथों बच्चा शिक्षित हो। और वही दोस्तों, उनकी नकारात्मक शिक्षा का मतलब यही है कि शिक्षा के जो प्रचलित पैमाने हैं उसके अनुरूप शिक्षा ना हो, शिक्षा प्रकृति की गोद में हो, वही नकारात्मक शिक्षा है। और प्रकृति से जैसे जैसे नाता व्यक्ति का खत्म होता जाता है, पूरे संसार में जो चारित्रिक पतन है उसका मूल कारण यह है कि व्यक्ति ने अपने प्राकृतिक जो उसका संबंध है उसको दूषित कर दिया है। आज दोस्तों, अगर हम बात करें, आज कोरोना वायरस की वजह से पूरे के पूरे वैश्विक संकट का दौर आ गया है। तो कहीं ना कहीं इंसान ने जो पशुओं के ऊपर अत्याचार किए हैं, जो इंसान की जो आसुरी वृत्त है, कोरोना वायरस एनिमल पे ही अपना रहता है, उसका हैबिटेट एनिमल है। लेकिन एनिमल से व्यक्ति में इसका ट्रांसफ़र हो जाना और व्यक्ति से व्यक्ति में इसका ट्रांसमिशन हो जाना, कहीं ना कहीं जो एक प्राकृतिक आपदा है उसको अपने स्वयं हाथों बुलाना है। तो रूसों की ये जो नकारात्मक शिक्षा है उसके आलोक में भी हम इस व्यवस्था को समझ सकते हैं। तो प्रकृति में जो भी चीज़ें हैं उसका सम्मान बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो पशु हों, चाहे पक्षी हों, या नाना प्रकार की जो प्राकृतिक चीज़ें हैं। एमिल में रूसों ने अपनी शिक्षा की बात किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट उनका ये ग्रंथ है एमिल। तो दोस्तों, आज आपके सामने ये नकारात्मक शिक्षा का कंसेप्ट हमने रखने की कोशिश किया। आपने इसे बड़े ध्यान से सुना, आपको हार्दिक आभार और धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मॉडल स्कूल राजगढ़ के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश टीवी साइनिंग ऑफ।